Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel Sunrise E-Learning. Dear students, aaj ki video mein main aap logon ko bataunga ki aap logon ne kis tarah MDCAT 2024 NUMS ke liye apply karna hai. Aap kis tarah kahan se apply kar sakte hain aur kaun sa best method hai. So hum start karte hain. Aap logon ne browser open karna hai, aap log jo bhi use kar rahe hain, Google use kar rahe hain, other jo bhi use kar rahe hain, aap log usko open karenge. Yahan par aapne search bar mein search kar lena hai NUMS MDCAT 2024. नीचे सर्चेस आप लोगों को शो हो जाएंगे, बट आप प्रोग्राम डायरेक्टली इसको सर्च कर लेना है. और सर्च करने के बाद आप लोगों के पास जो भी पहली वेबसाइट आएगी आप लोगों ने उसको देखना है और इसको ओपन कर लेना है. और ये कौन सी होनी चाहिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस बेसिकली NUMS की ही ये वेबसाइट है. जैसे आप लोग इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरह का एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा. यहाँ पर आप लोगों के सामने पहला आइकन शो कर रहा है, पहला पोर्टल पहला लिंक शो कर रहा है MDCAT NUMS 2024. डायरेक्टली यहाँ पर आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं. नीचे भी ऑप्शंस मौजूद होंगे, बस बेस्ट यही है कि आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास नया पेज, नया डिस्प्ले, नई विंडो ओपन हो जाएगी. उस विंडो में आप लोगों के पास क्या होगा, इस तरह का डिस्प्ले होगा जिसमें MDCAT NUMS पोर्टल 2024 शो कर रहा है. यहाँ पर आप लोगों के पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों ने लास्ट में फॉलो करनी है. अगर आप लोगों का RAT अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जिसमें आप लोगों ने जो पहले ईमेल ऐड किया हुआ है वो ऐड कर देंगे. और इसका यहाँ पर आप लोग कोई भी पासवर्ड जो आप लोगों ने ईमेल के साथ पहले ऐड किया था वो बनाएंगे. उसके बाद आ जाती है यहाँ पर जो हमारे पास करेक्टर्स दिया गया होता है, स्पेसिफिक कोड दिया गया होता है, वो आप लोगों ने यहाँ से देख कर इसको एंटर करना है. एंटर करने के बाद आप लोग इसको लॉगिन पर क्लिक कर देंगे. अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो पहले आप क्या करेंगे, साइनअप पर क्लिक करेंगे. साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये अगेन रिफ्रेश होगा और एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा. इस पोर्टल पे आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है. इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर और साइन अप पे क्लिक कर देना है. क्या चीज़ें यहाँ पर, स्टूडेंट का नेम है, जिस तरह आप लोगों के जो एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियसली उसमें जो जो आप लोगों का नाम जिस हिसाब से लिखा हुआ है वो आप लोगों ने कैपिटल यहाँ पर ऐड कर देना है कैपिटल लेटर्स में. फिर अपना एक अच्छा सा ईमेल एड्रेस ऐड कर दीजिएगा जो चलता भी हो. उसके बाद जो नंबर आप लोगों के पास फंक्शनल है वो आप लोग ऐड करेंगे. सिम का यहाँ पर कोड ऐड करेंगे, जिस तरह 342 आ जाता है, 307 आ जाएगा, इस तरह के. और फिर मोबाइल का जो बकिया नंबर होता है वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है. फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कैप्चा दिया गया है, ये वाला जो कोड दिया गया है, ये आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है. यहाँ पर ऐड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. वेरिफिकेशन ईमेल भी मिल सकता है आप लोगों को, तो आप लोगों ने इस ईमेल और पासवर्ड को याद रखना है. फिर आप लोग सेम वही प्रोसीजर करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लोग लॉगिन कर लेंगे और आप लोगों की डिटेल्स वहाँ पर शो हो जाएंगी. सो आप लोगों ने इस मेथड के थ्रू इसके लिए अप्लाई करना है. सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे, फिर अकाउंट बनाने के बाद जो मेन प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को इसके साथ ही बता देता हूँ. यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है. इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होता है. आप लोगों ने लॉगिन साइन इन कर लिया, जैसे मैंने आप लोगों को डिटेल बताई थी. यहाँ पर मज़ीद इसके लिए स्टेप दिए गए हैं, इन स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है और आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन पासवर्ड ऐड करने के बाद आप लोगों को SMS के ज़रिए भी पासवर्ड शेयर कर दिया जाएगा. फिर क्या करना है, आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो है उसको मज़ीद 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आप लोगों ने अपना सेंटर कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री में पेपर टेस्ट देना चाहते हो. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट कंट्री कर देना है. फिर सेकंड स्टेप आ जाता है पे फी. इसके लिए दो मेथड हैं, आप लोग चालान क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते, मोबाइल ऐप के ज़रिए आप लोग जो है वो फ़ी पे कर सकते हैं. ये हमारे पास दो स्टेप हो गए. उसके बाद तीसरा स्टेप जो है जिसमें आप लोगों को प्रोफाइल जैसी यानी से इमेज अपलोड करनी होती है, ये आप लोग कर लेंगे. यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये आप लोग लास्ट में पढ़ लीजिएगा. फिर आप लोगों ने क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को फिल करना है और अपना टेस्ट सेंटर जो है वो चूज़ करना है कि आप लोग कहाँ टेस्ट देना चाहते हो. लास्ट के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, जिसमें चेक बॉक्स ओपन होगा और आप लोगों का सामने शो होगा कि आप लोग एप्लीकेशन को सबमिट कर दें. इस तरह आप लोग सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास नई स्टेटमेंट आ जाएगी, इसमें लिखा होगा कि आप लोग एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है. सो नेक्स्ट प्रोसीजर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे. सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने किस तरह अकाउंट बनाना है NUMS MDCAT 2024 अप्लाई करने के लिए, और उसके साथ साथ हमने
स्टेप बाई स्टेप गाइड भी देख लिया कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो आप इस तरह अप्लाई कीजिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।